मध्य प्रदेश में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। रविवार की देर रात शहडोल की सीमा से लगे उमरिया जिले के पाली रोड में एक कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में खनिज विभाग शहडोल में पदस्थ निरीक्षक पुष्पेंद्र त्रिपाठी, लोक सेवा प्रबंधक अविनाश दुबे सहित अन्य लोग शामिल है। बताया जा रहा है की ये पांचों शहडोल में अलग अलग विभागों में शासकीय सेवा पर पदस्थ अधिकारी थे। पुलिस थाना चौकी प्रभारी शैलेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि 3 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया था। वहीं 2 लोगों की जिला चिकित्सालय शहडोल में पहुंचने के दौरान मौत हो गई है। घटना NH 43 पर उमरिया जिले के पाली थाना अंतर्गत घुनघुटी चौकी के गांव मंझगावा में हुई। पुष्पेंद्र त्रिपाठी, अमित शुक्ला, प्रकाश जगत और दिनेश अविनाश दुबे, 5 लोग गाड़ी से खाना खाने मदारी ढाबा आए थे और वापस जाते समय इनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 3 लोग मौके पर ख़त्म हो गए थे, डेथ हो गई थी उनकी, और 2 लोगों को इलाज के लिए शहडोल ले गए थे जहां उनकी भी मृत्यु हो गई। और पुलिस मौके पर पहुंची है, कार्रवाई चल रही है, उसका भी PM कराया जा रहा है। PM के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर रवाना किया जाएगा। ये लगभग रात के 12:30-12:30 बजे ये हमारे पास हॉस्पिटल में 3 बॉडी आई और ये पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है अमलिया के पास। तो PM के दौरान देखने पता चल रहा है एक्सीडेंट बहुत ज़बरदस्त था, इस कारण इनका होल बॉडी में इंजरी हुई है और 2 PM हो चुके हैं, सबको हेड इंजरी हुई है और भी हाथ पैर में चोट लगी है, चेस्ट में लगी है। मेन कारण यही है, हेड इंजरी।